نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. वअल्का और उसने डाल दिए, फिल अर्जी जमीन में, रवासिया पहाड़, अंतमीदा ना वो डलक जाए, बिकम तुम्हें लेकर। अब तौहीद की दलाइल के लिए मजीद जमीन की कुछ सिफात बयान की जा रही है। और सूरह हिजर आयत 19 में भी हम इसके बारे में तफसीली तौर पर पढ़ के आए हैं कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने जमीन में पहाड़ रख दिए, और पहाड़ों के रखने का मकसद क्या है। रवासिया जो है ना, रासियतुन की जमा है, रासियतुन, जिसका मतलब होता है किसी बारी चीज का गड़ा हुआ होना। तो मुराद क्या है, पहाड़, जिनका अक्सर हिस्सा जमीन के अंदर और बाकी बाहर होता है। इससे दूसरी हकीकत भी साबित होती है कि जमीन को मुतहर्रिक बनाया गया है, और इसीलिए इस पर बारी पहाड़ जमीन की गिर्दिश में तवाजुन रखने के लिए गाड़ दिए गए, ताकि तेज रफ्तार के बावजूद इसमें थड़थड़ाहट पैदा ना हो। जैसे गाड़ी के पहियों का तवाजन बरकरार रखने के लिए इनकी मुख्तलिफ जगहों पर जरूरत के मुताबिक लोहे वगैरह के टुकड़े लगा दिए जाते हैं, इसी तरह अल्लाह सुब्हान तआला ने जमीन जमीन का तवाजन बरकरार रखने के लिए जमीन में भारी पहाड़ों को गाड़ दिया है। वल काफिल अर्ज रवासिया अंत मिला, ये कि वो ना ढलक जाए, बिकम तुम्हें लेकर। अनहारन, और नहरें बनाई उसमें, व सुबुलन, और रास्ते, दरिया भी बनाए, नहरें बनाई और रास्ते बनाए। क्यों बनाए? लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ, यानी इनको देखकर कम अज कम तुम तौहीद तक तो पहुंचो। और इसके अलावा और भी इसमें बड़े फवायद हैं। वअलामातिन, और अलामते रख दी, वबिन्नजमी, और सार सितारे। वअलामातिन, अलामते क्या है, यानी छोटे रस्तों में छोटे बड़े पहाड़, दरियाओं के मोड़, रेत के ढेले, सब्जाजार, बागात, शहर, आबादियां, ये सब क्या है, अलामते हैं। इनसे क्या होता है, लोग सही रास्ते पर रवा दवा रहते हैं, यानी पता होता है कि ये निशानी रख दी जाती है कि ये जहां पे ये होगा ना, ये वो वाला इलाका है। अगर आपने किसी को बताना हो, मतलब अगर आप किसी पहाड़ी इलाकों में जाते हो तो आप कहते, अच्छा नारायण का गान के अंदर ना ये, अच्छा तुम इस नहर की बात कर रही हो जो इस तरह से बनी होती है, तो फिर वो क्या हो जाती है, एक निशानी हो जाती है, जिससे इंसान एक तो रास्ता समझने में आसानी होती है, दूसरा किसी को समझाने में और किसी को बताने में। अलामत, अलामतों का ये फायदा होता है। वबिन नजमी हुम यहतदून, और सितारों के साथ वो राह पाते हैं। यानी रात के वक्त समंदर या खुश्की में जहां दूसरी निशानियां काम नहीं करती, तो फिर लोग क्या करते हैं, सितारों के जरिए रास्ते मालूम करते हैं। रास्तों के अलावा सीमत किबला और औकात की पहचान भी सितारों से हासिल की जाती है।
ठीक है, तो यह तदो में ये सब चीजें दाखिल हो जाती हैं कि वो लोग क्या करते हैं, राह पाते हैं, वो किबला सिमत औकात की पहचान करते हैं। रातों को अगर सफर पे निकलना हो तो सितारों से रास्ते मालूम किए जाते हैं, सितारों की वजह से देखिए जैसे कोई भी डायरेक्शन फाइंड कर ली जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज काबिले गौर है कि सबसे पहले तो इस पे कौन से लोग शामिल है, अहले मक्का, क्योंकि वो तजारत के लिए कसरत से सफर करते थे और सितारों के रास्ते मालूम करने में मशहूर थे। उनको एहसास दिलाया जा रहा है तुम अल्लाह की इस नेमत को भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिर भी अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की तौहीद का इकरार नहीं करते। क्यों अल्लाह ताला का इनकार करते हो, शिर्क में मुबतला हो जाते हो? अल्लाह ने इतनी नाराजगी का इजहार साहिब के अंदर उनके साथ किया है कि इतनी बड़ी नेमत के बावजूद इनके शिर्क पर इजहार नाराजगी के लिए अल्लाह ने इनको मुहातिब नहीं किया, यानी तुम खिताब के काबिल ही नहीं हो। यह तदून, तह तदून की बजाय यह तदून वर्ड यूज किया। क्यों? क्योंकि इस काबिल नहीं है कि इनको अल्लाह के पीछे मुखातिब का सीगा इस्तेमाल किया गया, तब तहु तश्कुरून तहतदून, लेकिन यहाँ पे आके फिर यह तदून हो गया कि अब अल्लाह ताला ने इनको इस काबिल ही नहीं समझा कि इनकी इतनी इतनी बड़ी बड़ी नेमतें देखने के बावजूद भी ये इनकार करते हैं और अल्लाह के साथ शरीक बनाते हैं। ये काबिल ही नहीं है कि इनको मुखातिब किया जाए। तो इसको क्या कहते हैं, कल भी ये चीज सिखाई गई थी, क्या कहा जाता है इसको जब पीछे मुखातिब हो और आगे जाके वही मुखातिब गायब बन जाए, तो उससे एक उसके लिए क्या कायदा, एक कायदा है ना, उसका नाम क्या, इल्तिफात। हाँ जी, इल्तिफात जो है ये इसको कहते हैं। आगे जाके फिर मुहातिब किया जाने लगे, क्यों? क्योंकि फिर इनसे ब्राह रास्त क्वेश्चन किया जाएगा ना, इसलिए अफा मई यखलुकु कमल्ला यखलुकु, क्या भला वो जो पैदा करता है कमन उस शख्स की मानिंद है, ला यखलुकु जो पैदा नहीं करता, अफला तज़क्करून, क्या भला तुम नसीहत नहीं पकड़ते? ये सब नेमते जो जिक्र हुई हैं सब जानते हैं और मानते हैं और अल्लाह की पैदा करता है सब चीजें, वो शकीन जिन्हें तुम पुकारते हो, इन्होंने ना कुछ पैदा किया ना कर सकते हैं, हत्ता के दावा भी नहीं कर सकते। तो ये बताओ कि हर चीज के खालिक को तुमने इन बेबस्त हस्तियों के बराबर कर दिया जो मक्खी के पर के बराबर भी कोई चीज नहीं बना सकते, तो क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती? तुम अल्लाह की कदर क्यों नहीं करते? तुम अल्लाह के साथ क्यों ऐसा रवैया रवा रखा हुआ है कि तुम अल्लाह को उन लोगों के बराबर ले आए हो? अफला तज़क्करून, सब बातें सुनकर भी जो दलायल तुम्हें दिए हैं फिर भी तुम नसीहत नहीं पकड़ते। अगर कोई अक्लमंद हो, नसीहत पकड़ने वाला हो, तो इन सब चीजों को देखकर तौहीद की तरफ आ जाए। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम उसकी नेमतों को शुमार ही नहीं कर सकते, इतनी नेमतें इतनी नेमतें, तुम शुक्र कैसे अदा करोगे? तुम तो उनको काउंट भी नहीं कर सकते, अल्लाह की नेमतें ही काउंटलेस होती हैं। अल्लाह की नेमतें ही ऐसी होती हैं कि इंसान चाहे भी तो गिन ना सके। इन्ना अल्लाह लगफूर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है, यानी इसकी बख्शिश और मेहरबानी है कि तुम्हें ना शुक्री के बावजूद बेशुमार नेमतें अदा करता है। तोबा करने और पलट आने पर तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर देता है। ये अल्लाह ही है जो इंसान से बदला नहीं लेता। इंसान अगर कोई गलती करता है तो फौरन उसको बाजू का नहीं पकड़ता, उसे टाइम देता ताकि वो बंदा वापिस आ जाए, ताकि उसको बख्श दिया जाए। हदीस में आता सही बुखारी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब एतराफ कर ले फिर तोबा कर ले तो अल्लाह ताला उस पर मेहरबान हो जाता है, फिर थोड़े से शुक्र पर बेहतरीन जजा देता है। मकसद क्या होता है, उम्मीद का दरवाजा खोलना, ताकि बंदा अल्लाह से मुतनफर ना हो, अल्लाह से तोबा करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे।
अल्लाह तो ऐसी जात है जो मुंतजिर होती है उसका बंदा आके उसे सॉरी करे, माफी मांगे और दोबारा से जो है अल्लाह सुब्हान ताला के साथ एक ताल्लुक जोड़े। लेकिन इंसान ही अल्लाह से दूर दूर जाता है। नियमतें गिनेंगे ना तो इवन के काउंट नहीं होती, लेकिन अगर काउंट करने की कोशिश भी करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम गिन नहीं सकेंगे। गलती के बाद शुक्र नहीं, गलती के बाद तोबा करता है, फिर जब तोबा करता है तो उसका दिल इस काबिल हो जाता है कि वो उसको कुछ थोड़ा भी दिया जाए ना तो शुक्र करता है, जो थोड़े से शुक्र पर उसको बेहतरीन जजा मिलती है। यानी उसकी तो उसका तोबा का अमल उसको शुक्र की तरफ लेके जाता है और शुक्र बेहतरीन जजा की तरफ लेके जाता है। वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रून व मा तुलनून, और अल्लाह जानता है जो कुछ भी तुम छुपाते हो, जो कुछ भी छुपाते हो अल्लाह सबको जानता है। छुपे हुए अमल अल्लाह जानता है। इंसान अल्लाह के सिवा सब लोगों के अमाल कोई भी नहीं जान सकता। छुपे हुए अमाल तो दूर की बात, वमा तुलिनून जो तुम जाहिर करते हो वो भी कोई नहीं जान सकता। हम चंद लोगों के चंद अमाल जाहरी तौर पर उनके देखने सुनने और बोलने की वजह से जान लेते हैं, लेकिन हम बहुत से लोगों के जाहरी अमाल भी नहीं जान पाते। एलानिया कामों के अलावा इनके छुपकर किए हुए काम फिर कैसे जानेंगे? ये सब राज किसके पास है? अल्लाह के पास। इसलिए ये ना समझो कि तुम कुफ्र शिरक करोगे और तुम पे के बावजूद भी अल्लाह सुब्हान तआला डील लंबी दे रहा है तो वो महसूस नहीं कर रहा तुम्हारी गलती को और नेमतों पे नेमते दिए जा रहे हैं। ये सब कुछ इस वजह से है कि वो तुम्हें मजीद आजमाइश में मुबतला करना चाहता है ताकि तुम मजीद न शुक्री करो और अपने लिए दुनिया को अगर आसान बना लिया तो आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। तो इसमें काफिरों के लिए भी तंबीह है कि माबूद वही होना चाहिए जो जाहिर और पोशीदा हर चीज का जानने वाला है। ठीक है, माबूद कौन सा होता है? जो जाहिरी बातें जानता है और पोशीदा भी जानता है। आगे अल्लाह सुब्हान तआला मजीद फरमा रहे हैं और इसमें हम थोड़ी सी सिफात भी पढ़ेंगे ऐसे लोगों की जो मुशरिक होते हैं, और ये कि माबूद के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज नहीं होती। वल्लजीना, और जिन्हें यदउना वो पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा जिनको ये लोग पुकारते हैं, इनकी बेबसी और इज्ज़ के बयान के लिए तीन औसाफ बयान किए गए हैं। पहला वसफ क्या है? ला यखलुकून शैयं वहुम युखलकून, नहीं वो पैदा कर सकते कोई भी चीज, वो तो खुद पैदा किए जाते हैं। खालिक सिर्फ एक ही है, क्योंकि अगर इनके मबूद नेक या फौत शुदा लोग हैं तो इनका खालिक भी अल्लाह है। ना वो जिंदगी में कुछ पैदा कर सकते थे ना ही अब पैदा कर सकते हैं, किसी के पास ये अख्तियार ही नहीं है। लोगों ने इनके मुजस्मे बनाए हैं, इनकी कब्रें बनाई हैं, तो ये मुजस्मे और कब्रें भी इंसान के किसी काम नहीं आ सकते। कुछ भी पैदा नहीं कर सकते ये मुजस्मे भी इंसान के लिए, कुछ भी इंसान को नहीं दे सकते। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इब्राहिम अलैहि सलाम ने फरमाया ना, अतअबुदूना मा तनहितून, क्या तुम इसकी इबादत करते हो जिसे तुम खुद तराशते हो? तो अगर तुम्हारे मबूद तराशे हुए बुत या कब्रें हैं तो खालिक उनका भी अल्लाह ताला ही है, खालिक उनका भी अल्लाह सुब्हान तआला। हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया और कोई चीज ऐसी नहीं जिसको अल्लाह सुब्हान तआला ने नहीं पैदा किया। हर चीज अल्लाह के कब्जे कुदरत में है।
और खालिक होने की दूसरी, यानी दूसरा वसफ उन लोगों के अंदर कौन सा है जिसकी वजह से वो खालिक नहीं हो सकते? अमवात, मुर्दे हैं, गैरु अहया, जिंदा नहीं है, यानी वो नेक या बद लोग जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनको तुम मानते हो, जिनके सामने सजदा रेजी करते हो, वो क्या है? मुर्दा है। इवन कि उनको ये भी नहीं पता, वमा ये शौरू ना अय्या ना युवास हूँ, उनको तो ये भी नहीं पता कि उनको उठाया कब जाएगा कब्रों से, इतने बेखबर है। इसमें कब्र परस्तों का वाजे रद किया गया है कि कब्रों में दफन शुदा जो बुजुर्ग हैं, जिनको हम आज मुर्दा नहीं समझते, जिंदा समझते हैं, और ये समझते हैं कि ये कब्र में भी जिंदा है। तो इस आयत में हमें एक दलील मिलती है, अमवात उन गैर वाहिया, समझ क्या बात आती कि मौत वारिद होने के बाद दुनिया में जिंदगी किसी को नसीब नहीं होती, ना दुनिया से इसका कोई ताल्लुक होता है, किसी को नफा नुकसान की तवक्को तो इससे की ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अमवात के बाद इंसान गैर वाहिया बन जाता है। तो उन तमाम लोगों की बात का रद्द है जो कहते हैं कि अल्लाह सुब कुछ नेक और बुजुर्ग लोग, अल्लाह के करीबी बुजुर्ग लोग होते हैं, उनसे तो मांगना जाएगा ना, तो वो दुनिया के अंदर है फिर भी वो हमारी कोई बात नहीं सुन सकते, तो जब वो मर जाते हैं और हम मोस्टली मरे हुए लोगों से जाके दुआ मांगते हैं, उन्हीं की कब्रें बनी है ना, उन्हीं के दरबार बने हुए हैं, उन्हीं के सामने जाके अर्जियां रखी जाती हैं और उन्हीं के सामने जाके अपनी इल्तजा की जाती है। क्यों इल्तजा करते हैं? ताकि वो हमारी सुने ना, तो वो हमारे दिल के राज को जान सकते हैं, ना ही वो उनके अंदर ये वस्फ है कि वो कुछ पैदा कर सकते हैं। और तीसरी चीज, वो मर गए हैं, वो जिंदा नहीं है और वो जिंदा हो ही नहीं सकते। तीसरा वसफ, वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, उनको ये भी नहीं पता कि वो खुद कब उठेंगे इस इन कब्रों से। फिर साइंस से पता चलता है कि मबूद के लिए कब्रों से निकलने वाले दिन के बारे में जानना भी जरूरी है, और ये बात मुर्दों को कब उठाया जाएगा ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता। तो अब जब भी हम किसी से मुकालमा करें, बहस हो जाती है, तो ये आयात आप अपनी हाईलाइट कर लें और बता सकते हैं कि अच्छा बताएं, आप जिसको मानते हैं उसके अंदर ये क्वालिटीज मौजूद है? क्या वो किसी चीज को पैदा कर सकता है? क्या वो जिंदा है? क्या उसको पता है कि उसने कब उठाया जाना है? और वैसे भी अल्लाह ताला की जात और सिफात, और सिफात के तकाजों में किसी किस्म किसी चीज में भी किसी को शरीक नहीं हम ठहरा सकते। अल्लाह हम सबको शिर्क जैसी बुरी हसलत से महफूज रखे, और हमारे घर वालों को भी। ये बहुत बड़ी नेमत है कि आप तौहीद परस्त हैं, आपके घर वाले तौहीद परस्त हैं। यकीन जाने जिनके घरों के अंदर शिर्क होता है बहुत हद से ज्यादा होता है, और वो अपने अपने बच्चों को भी अगर वो तौहीद की तरफ आते हैं तो बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट है, मुझे बता रही थी, पहले वो भी मुशरिक थे, अलहमदुल्ला पूरा घराना जो है तौहीद की तरफ आ गया। तो बात शेयर कर रही थी वो कि जब उनका भाई सबसे पहले तौहीद की तरफ आया तो उनको बहुत ज्यादा मार पड़ी थी अपने बाबा से कि तुम ये क्या किनको सुनते हो, और किस तरह की, किस तरह तुम हमसे अलग थलग हो गए हो। अभी भी उनके दादा दादी जो है वो अपनी ही रवश पे हैं, लेकिन वो उनकी पूरी फैमिली, इनके इवन उनकी मामा जो थी वो बहुत ज्यादा सख्त थी इन तमाम मामलात के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेटों ने जब घर में माहौल चेंज किया, बर्दाश्त किया उन चीजों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है ऐसे लोगों से जो तो ईद की दावत देते थे, तो ईद की बात करते थे, पहले उन्हीं लोगों से वो नफरत करती थी, उनकी मजलिस में नहीं जाती थी, और उनके घर घरों में जाना और उनके बारे में बातें करना, अब वही
औरत जो है तो ही प्रस्त लोगों के हाथ चूमती हैं और उनसे मोहब्बत करती हैं और उनकी बातें सुनना पसंद करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक बिग चेंज जो है ना उनके अंदर देखा गया। तो बाज़ औक़ात औलाद भी अपने पेरेंट्स की सोच को बदल देती है, इसलिए परेशान नहीं होते, वक्ती तौर पर आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कल ही एक आप ही क्लास के एक स्टूडेंट है जिन्होंने शेयर किया था, वो भी आजकल बहुत प्रॉब्लम में है इसी वजह से कि वो तो ईद की तरफ आ रही है लेकिन घर में शिर्क है और एक बहुत बड़ी जंग में है, एक बहुत बड़े दौर से गुजर रही है। तो उनके लिए दुआ करें ना, अल्लाह सुबहान तआला उनके पूरे घराने को तौहीद परस्त बना दे, उनके लिए रास्ते आसान हो जाए। इनके उनके घर वाले उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, उनके वो अकेली एक तरफ है, उनका पूरा घराना एक तरफ है, वो बहुत बड़ा जिहाद कर रही है। मैं उन्हें यही कह रही थी कि आप हम सबसे ज्यादा नेकियां लेने में आगे हैं, क्यों? क्योंकि आप उस दौर में जी रही हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा जिए थे। टॉर्चर करके हर्ट करना, एक जिद लगा लेना। अभी हम पढ़ते हैं कि किस किस किन किन वजूहात की वजह से ये लोग तौहीद की दावत को कबूल नहीं करते, क्या ऐसी क्वालिटीज होती हैं इनके अंदर। लेकिन सबसे पहले ये है कि दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह सुबहान तआला, वो आजकल बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं इसी वजह से, सिर्फ कि वो कुरान की बात करती हैं, हक की बात करती हैं। अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करे। और सबसे खूबसूरत दुआ उनके लिए यही है कि अल्लाह उनके पूरे घराने को हदायत दे ताकि वो भी तौहीद परस्त हो जाए, और अल्लाह उनके लिए मजीद जो अगले सफर है उसमें भी तौहीद परस्त लोग हों, उनकी जिंदगी के अंदर शामिल हों, और अल्लाह हम सबको तौहीद परस्त लोगों की सोहबत अता करे। बस एक चीज ख्याल रखिए कि तौहीद परस्त होना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर जन्नत का टिकट नहीं मिल सकता। बाकी गुनाह हो जाते हैं वो भी इंशाल्लाह हम साथ सही करते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले अकीदे का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर अगर हमारे अंदर किसी के अंदर भी थोड़ी सी भी कोई शिरकी हल्की सी भी निशानी है तो उसको खत्म करने की कोशिश करें, अल्लाह हमें तौफीक भी अता करें। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, इलाह तुम्हारा इलाह एक ही है, अल्लाह बस उसके अलावा कोई तुम्हारा इलाह नहीं, कोई तुम्हारा माबूद नहीं, इबादत के लायक सिर्फ एक ही ज़ादा वाहिद, कोई उसका सानी या शरीक नहीं, ना जात में ना सिफात में। अब आगे वो असबाब बयान किए जा रहे हैं जो इंसान को तौहीद से पिसला कर शिर्क की तरफ ले जाते हैं। ये असबाब क्या हैं? फल्लदीन ला युमिनून बिल आखिरा, उनमें से सबसे पहला सबब आखरत पे ईमान न लाना। मुश्रिकीन ही को फल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरा फरमाया कि अगर यकीन हो कि अल्लाह ने जिंदा करके बास पुरस करनी है, वहां जजा और सजा सिर्फ उसी के हाथ में है, किसी दूसरे का अमल दखल नहीं होगा, तो इंसान किसी को किसी तरह भी अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहरा सकता। उसे अंदाजा होता है कि मैंने अपने रब के सामने खड़े होना है, जिसको अपने रब के सामने खड़े होने और अकीदा आखरत जिसका मजबूत होता है ना, वो बंदा भी शिर्क नहीं करता। इसका मतलब है यानी अकीदा आखिरत में खराब होता है ना, कैसे? अगर आप कहेंगे कि ऐसे लोग मानते तो हैं कि हमने मरना है, ये मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि क्यामत के दिन यही हमारे जो मकबूज हमने बनाए हुए ये हमारी सिफारिश करेंगे। तो जब इंसान को एहसास हो जाता है कि क्यामत को मेरे काम कोई भी नहीं आएगा, कोई भी मुझे नहीं थाम सकता, इवन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह के इज्जत के बिना इजाजत ही नहीं होगी सिफारिश करने की, किसी को परमिशन ही नहीं है कि वो अल्लाह के सामने बात भी कर सके, तो देखिए वो बंदा जो आखरत का मुनकिर होता है वो अल्लाह का जिक्र नहीं सुन सकता, उसको अल्लाह की बात सुनते हुए उसका दिल जो तंग पड़ता है। सो जुमर आयत 45 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं जब उस अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वो इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू, तो फिर क्या होता है, उनके दिल तंग पड़ जाते हैं। किनके? अल्लाह
अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, जो आखरत पर यकीन नहीं रखते। व इज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिही, जब अल्लाह के अलावा किसी और का जिक्र किया जाता है, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। मैं इस आयत को पढ़ के सोच रही थी कि हम भी बाज़ औक़ात जो है, जब अल्लाह की बात की जाती है तो दिल बड़ा उकताहट और बोर और बेजार होने लगते हैं। जैसे ही दुनिया वालों की बातें होती है, हम बड़े खुश हो जाते हैं, अच्छा अब मजा आएगा, अब ये बात इनकी हो रही है। यहाँ तो वैसे मुशरिकीन की है कि वो अल्लाह के अलावा दूसरे शरीकों की जब बात की जाए ना, तो वो उन शरीकों की शरीकों का तذکرہ सुन के बड़े हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो पहली उनकी पहला सबब मुशरिकों का क्या है, मुशरिक होने का, ला युमिनूना बिल आखिर, आखिरत का अकीदा ठीक नहीं। दूसरा सबब क्या है, कुलूबुहुम मुनकिरा, दिल उनके इंकारी है, उनके दिल इंकार करने वाला है, वो किसी दलील को नहीं मानते, वो अल्लाह की तमाम नेमतें जाने के बावजूद भी तस्लीम नहीं करते। जैसा कि अल्लाह सुबहान तआला सूरह नहल आयत 83 में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, यारिफून नियमत अल्लाही सुम्मा युनकिरूनहा, वो अल्लाह की नियमतों को पहचानते हैं लेकिन फिर भी उसका इनकार करते हैं। जैसे यहूद व नसारा अल्लाह के रसूल को पहचानते थे लेकिन जिद की वजह से अल्लाह के नबी की बात नहीं मानी उन्होंने। तो यही मुशरिकीन मक्का किया है कि वो मस्ख हो चुके हैं, उन पर मोहर लग चुकी है। जैसा कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, कि अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी है, उनकी निगाहों पर भारी पर्दा है, दिल उनके मुनकिर हो गए, वो बात सुनना ही नहीं चाहते। अगर सुनाई भी जाए तो आगे से नई नई दलील देते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको बता रही थी ना कि वो स्टूडेंट्स ने बात शेयर की, तो कहती है हमारे घर वाले कहते हैं कि हमें पता है कि ये सब चीजें दीन के अंदर नहीं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। यानी पहचान सही, वही सारा सीन हमारे सामने आ जाता है कि जैसे मुशरकी ने मक्का करते थे, जैसे उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रहने वाले लोग आगे से एक्सक्यूजेस पेश करते थे और इस तरह के दलाल। ये तो कोई दलील नहीं है ना, हमारे अबाउज दादा से करते आ रहे हैं, तो हम उनकी रवश को नहीं छोड़ सकते। अबाउज दादा ने भी तो कुछ सोच के समझ के किया होगा, तो अबाउज दादा से भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, हमें उन मिस्टेक्स को ठीक करना है इंशाल्लाह। हमने हमसे नस्ल आगे बढ़नी है और हमने उस नस्ल को अपने लिए सदका जारिया बनाना है। वो कैसे बनेगी, जब हम उनको तौहीद पे चलाएंगे, जब उनको शिर्क से बचाएंगे, ठीक है। तो अपने दिलों को इतनी दिलों में गुंजाइश रखनी चाहिए कि अल्लाह की बात सुनकर दिल नरम हो जाए। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उनकी मिसाल उल्टे कोजे की तरह दी गई है, यानी ऐसे लोगों के जिनके दिल बंद हो जाते हैं, जिनमें कोई चीज दाहिर ही नहीं होती। वो दिल ना नेकी को नेकी समझते हैं ना बुराई को बुराई समझते हैं, सिवाय उनकी अपनी ख्वाहिश के जिसकी मोहब्बत उन्हें पिला दी गई होती है। वशरिबू फी कुलूबिहिम अल-इजला फी कुफ्रिहिम, जैसे बनी इसराइल के बारे में कहा गया कि वो बछड़े की मोहब्बत पला दिए गए हैं, बिकुफ्रिहिम, बवजह अपने कुफर के। तो इसलिए अपनी अकीदे को इतना खराब नहीं करते कि हम मोहब्बत पिला दिए जाए, या फिर हमारे हमसे नेकी और बदी के फर्क करने की तमीज छीन ली जाए। अल्लाह सुब्हान तआला हमें कोसों दूर रखे इन तमाम बुरी हसलतों से। उसके बाद तीसरा इनके अंदर वस्फ क्या है, तीसरी क्या खामी है जिसकी वजह से वो अल्लाह को एक नहीं मानते, वहुम मुस्तकबिरून, तकबुर करते हैं, तकबुर करने वाले हैं, यानी अपने आप को बड़ा समझते हैं, ठीक है, अपने आप को आला समझते हैं कि हम तो गलत हो ही नहीं सकते। उनका तकबुर उन्हें कोई खैखाई की बात ना सुनने देता है ना मानने देता है, यही उनकी तमाम बीमारियों की जड़ है।
एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अनहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जरा बराबर भी किबर हो। एक आदमी ने कहा, आदमी पसंद करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो, उसका जूता अच्छा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। किबर हक को तस्लीम ना करना और लोगों को हकीर जानना। किबर की डेफिनेशन क्या है? हक को तस्लीम ना करना और लोगों को हकीर समझना, लोगों की बात को इम्पोर्टेंस ही ना देना। छोटा आपके सामने उठ के बात कर रहा है कि ये हक है, ये बात सच्ची है, और आप कहें कि तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो मेरे सामने बोलने की, तुम सिखाओगे हमें दीन, तुम बताओगे हमें बातें। अब ये भी वक्त आना था कि छोटे सिखाएंगे। तो ऐसी बातें, ये किबर आ जाता है ना इंसान के दिल में। तो यही तीन चीजें हैं जिसकी वजह से लोग तौहीद की तरफ नहीं आते। क्या क्या है? नंबर वन, अकीदा आखरत ठीक नहीं। यानी अगर हमें किसी का इलाज करना हो ना, तो हम इन तीन, हमें तीन उनकी बातों का, तीन दरवाजों का पता होगा कि किन तीन दरवाजों को पहले लॉक करना है, फिर उनको बात जो है ना वो सिखानी है और बतानी है। पहली बात, उनका अकीदा आखरत ठीक करना है। यानी हम डायरेक्ट उनको उनकी, हमारे लिए ईसाइत में हल है, और वो हल क्या है कि अगर मुशरिक की इस्लाह करनी हो तो उसको डायरेक्ट मुशरिक नहीं कहना, उसे ये नहीं कहना कि तुम शिर्क कर रहे हो। वो वीक पॉइंट्स जो उसके अंदर हैं उनको पहले लॉक करना है, उन दरवाजों को पहले बंद करना है। कीदारे ठीक नहीं, अकीदारे ठीक करना है। ला यूमिनूना बिल आखिरा के दरवाजे को सबसे पहले लॉक करना है। जब उनको आखरत के बारे में बताया जाएगा कि देखो आखरत में ये होगा, लोग ऐसे करेंगे, उनके सामने आखरत के बारे में बातें की जाएं, क्योंकि आज लोग इस्लाह करवाना पसंद नहीं करते। अगर हम किसी की, किसी को उंगली उठा के टारगेट करते हैं ना, तो लोग सुनते नहीं, वही चीज अना आ जाती है, जिद, तकबर, ये सब चीजें। हमने सबसे पहले उनकी अखलाकी खूबियों को देखना है, अकीदा आखरत को ठीक करवाना है, और फिर उसके बाद उनके दिल नरम करने हैं कुरान की बाकी आयात के साथ, कुरान की बाकी अहकामात के साथ। उनके दिल जो है थोड़े नरम करने हैं, और तकब्बुर के बारे में भी उनको बताना है कि कैसे किसी का इनकार कर दिया जाए बगैर तहकीक के कि वो गलत है, और या किसी को मान लिया जाए बगैर तहकीक के तो किस कदर इसका नुकसान है। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम देखते हैं कि उनके अंदर ये चीजें आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम उनको आहिस्ता आहिस्ता ये बताएं कि किस तरह से ये जो जिनको वो मानते हैं, जिनकी वो मानते हैं, वो गलत कह रहे हैं। अल्लाह सुबहान ताला हम सबको बेहतरीन सदका जारिया बनाए अपने पेरेंट्स के लिए, और उनको हमारे लिए रहमत और मोहब्बत की वजह बनाए। ला जरम अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। जिस तरह कहा जाता है ना कि तुम जो कुछ कर रहे हो मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब होता है देख रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं तुम्हें, फिर बताऊंगा जब वक्त आएगा। अल्लाह कह रहे हैं ला जरम, कोई शक नहीं, अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं, जो कुछ वो जाहिर कर रहे हैं, तुम इसकी सजा पाकर रहोगे। यहाँ अल्लाह के इल्म का जिक्र उनके जाहिर और पोशीदा अमाल की सजा की वाइद के लिए है। बताया जा रहा है ना, अल्लाह इल्म रखता है उनके छुपने और जाहिर होने वाले अमाल का, मतलब ये कि उनको सजा दी जाएगी, कुछ भी नहीं छुपा। और एक और सजा पहली बता दी गई, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह उनसे बुग्ज रखते हैं। और जिनसे अल्लाह बुग्ज रखे, अल्लाह नाराज हो, वो बंदे कितने बदकिस्मत है ना। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो तकबर करने वाले हैं। जैसे एक बात पता चलती है कि अक्सर इनकार की वजह, किसी भी चीज के इनकार की वजह क्या होती है? तकबर। हम भी अगर अपने माँ बाप को कोई बात मानने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, तो अगर तो बात ठीक है, शरी बात है, और फिर भी नहीं मानते, तो मोस्टली ऐसे होता है हमारी अना का मसला बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये अल्लाह सुबहाना ताला ने
उन लोगों से नफरत की है जो तकबर करते हैं। अल्लाह हमें तकबर जैसी बुरी हसलत से महफूज रखे, हमारे अंदर से अना सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे कॉन्सेप्ट खत्म करें, और हमारे अंदर आजिज़ी पैदा कर दे कि हम आपको सुनकर देखकर पढ़कर मान सकें। ये ना हो कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसी अखलाकी बुराइयां, अकायद की तो ठीक हो जाए, अखलाकी बुराइयां आज है कल को हम जब बड़े हों तो हमारे बच्चे अगर हमें बताएं कि आपके अंदर ये मिस्टेक्स है, तो हम भी अपने बड़ों की तरह उनका मुंह बंद करवा दें और उनको हक बात कहने ही ना दें। अपने दिल को इतना नरम रखना चाहिए कि कोई छोटा भी आपको आपकी गलती बताए तो आप एक्सेप्ट कर सके। अल्लाह हम सबको तौफीक अता करे कि हम आजिज होकर हक को सुन सके, कुरान को पढ़ सके। फिर कुरान की बातें भी इम्प्रेस नहीं करती, जब इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है, इंसान कहता है तो मुझे पता है, आई नो, मैं सब जानता हूँ, ये फिक्र आई नो, ये भी इंसान तकबर की वजह से बाज़ औक़ात कह रहा होता है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता करें, इंशाल्लाह तौहीद पर हम मरें, तौहीद पे जिंदा रहें और तौहीद के साथ ही उठाए जाएं। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.